दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ की जो ग्रुप डी की आंसर की है वो आ गई है और ये पे आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आरपीएफ का जो है यहाँ पे वो आंसर की चेक करने के लिए लिंक ओपन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जो है रोल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर एग्ज़ाम किस तारीख को आपका एग्ज़ाम था ग्रुप डी का, और यहाँ पर सेलेक्ट बैच की आपकी मॉर्निंग टाइमिंग थी क्या थी। उसके बाद ये जो नीचे कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें सबमिट कर देना। बस हमें यही चीज़ इतनी डिटेल डालनी है। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना भी आपको जो मैंने भी पेपर दिया हुआ है मैं आपको खुद अपना क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, मैं कैसे आंसर दे गया हूँ दोस्तों। और बने रहेगा इस वीडियो में, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दिया और मैंने अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर दिया, और मेरा एग्ज़ाम 2 फरवरी को था और उसका बैच जो था वो ये था, और मैंने नीचे कैप्चा डाल के हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये इनवैलिड कैप्चा बता रहा है। दोबारा टाइप कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा जो है कैप्चा डालते ये देखिए यहाँ पे जो है लॉगिन हो गया। ये देखिए मेरा नाम लिखा गया यहाँ पे और मेरा रोल नंबर और जो मेरा टेस्ट डेट था जब मेरा एग्ज़ाम था और मेरी टाइमिंग लिखी आ गई है। यहाँ पे आप लैंग्वेज हिंदी करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको बताया गया जो भी आपका जो सही विकल्प है, जो भी क्वेश्चन का सही आंसर है वो हरे रंग से होगा और जो आपने आंसर दिया है वो नीले कलर से हाईलाइट कर रखा होगा। नीले कलर से जो हाईलाइट कर रखा है वो आपने आंसर दिया और जो हरे रंग से हाईलाइट है वो सही आंसर है। और अगर आपको कोई किसी आंसर में आपत्ति आती है कि वो आंसर आपने ठीक किया हुआ है पर वो गलत बता रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ पर प्रश्न संख्या डाल के यहाँ पे कैटेगरी आप यहाँ पे चूज़ करके कि रॉन्ग क्वेश्चन है या मल्टीपल है जो भी, उसके बाद यहाँ पे आपको आपत्ति करके यहाँ पे कर सकते हो। उसका जो है 50 रुपीज़ आपको भुगतान करना पड़ेगा, आपको 50 रुपये जो बैंक का शुल्क जाएगा, उसके बाद जो है ये वेरीफाई होगा। और उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, ये सब करने बाद अब आप अपना जो आप अपनी आंसर की देखना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा प्रश्न पत्र देखने के लिए। यहाँ क्लिक करें, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए हमारी जो पूरी आंसर की है वो आ जाएगी। ये देखिए ये मेरी आंसर की है जो मैंने एग्ज़ाम दिया था। मेरा पहला क्वेश्चन देखिए सही है। मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं फटाफट आपको बता देता हूं। बस आपको यही देखना है कि जो हरे रंग से हाईलाइट है वो सही आंसर है और जो नीले रंग से हाईलाइट है वो आपने आंसर दिया, तो आप मैच कर सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए। तो देख ले दोस्तों आपने, जैसे कि मेरे पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए जो हरे रंग से हाईलाइट है ये राइट आंसर है और जो ब्लू से है वो मैंने गलत किया हुआ है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो आप ये देख सकते हैं। उसका देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये मेरा सही है, और जो क्वेश्चन नंबर 16 है यही मेरा ठीक है। तो इसी तरह आप अपना क्वेश्चन पेपर ठीक अपना क्वेश्चन पेपर आप आंसर की जो है वो चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही है, और मैं भी आपको कमेंट्स में रिप्लाई करूँगा कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक है, मैं आपको इस पूरी वीडियो में नहीं दिखाऊंगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है।